please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड के हरिद्वार में फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी कार में लगी आग को बुझाने लगे। वहां सड़क पर खड़ी एक कार से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से धुएं का गुबार उठता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को कार के पास जाने से रोक दिया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। वहीं कार मालिक ने फायर ब्रिगेड पर देर से पहुँचने का आरोप लगाया। इसमें पार्किंग से हुई धुआं सा उतरा, बच्चा था, हमने साथों साथ इसे किनारे पे लगाया। हम मौके पर फोन करा लेकिन फायर ब्रिगेड काफी लेट में पहुंची, तब तक गाड़ी जल चुकी थी। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच तेज लपटों की वजह से कार का पिछला हिस्सा भी जमीन पर गिर गया। कार में आग लगने से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़ा गया आरोपी 50,000 का एक इनामी बदमाश है, जिस पर करीब 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की नई योजना तैयार की है। हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नालों पर सोलर पैनल लगाने की योजना तैयार की। इस योजना के पहले चरण में ग्रेटर कैलाश और सुभाष नगर में बहने वाले दो नालों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर में नाले के करीब 1 किलोमीटर हिस्से पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे हर दिन 700 किलोवाट से ज्यादा बिजली पैदा की जाएगी, जबकि ग्रेटर कैलाश में नाले के करीब आधा किलोमीटर हिस्से पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे रोजाना करीब 500 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर दोनों नालों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल लगाने से 1200 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी। साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम घुमनहेड़ा में 130 एकड़ जमीन पर सोलर पार्क भी बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस सोलर पार्क से हर दिन 20 से 25 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। राहुल गांधी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित केरल का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 28 और 29 अगस्त को केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। केरल में आई बाढ़ के समय सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सुरक्षा बल को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में 11 साल पहले गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए 2 बम धमाकों के मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वियतनाम और कंबोडिया की 5 दिन की यात्रा पर हनोई पहुंची। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुछ लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी लड़का वहां से गुजरने वाली लड़कियों से छेड़खानी करता था, जिससे इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो आरोपी के मकान पर पहुंच गए। इस बीच कुछ लोगों ने आरोपी लड़के पर थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान कुछ लोगों ने लड़के को भीड़ की पिटाई से बचाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो आरोपी पर चिल्लाते रहे। इलाके के लोगों का आरोप है कि लड़का अपने मकान के सामने से जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। ये भी आरोप है कि लड़के ने छोटी बच्चियों के साथ कई बार अश्लील हरकतें की। इस बीच आरोपी लड़के ने अपने मकान के अंदर जाने की कोशिश की तो लोगों ने रोककर उससे माफी मंगवाई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़के को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पंजाब के अमृतसर में बाइक सवार 2 लुटेरे सड़क पर जा रही एक महिला का पर्स छीनने लगे। आरोपी की लूट की इस वारदात के समय महिला को गंभीर चोटें आईं, क्योंकि महिला ने इस बीच पर्स नहीं छोड़ा और वो काफी दूर तक सड़क पर घसीटती चली गई। तस्वीरों में दिखा कि बाइक सवार उसी सड़क से पहले गुजरे और जब महिला को उन्होंने अकेले पैदल चलते देखा तो वो वापस लौटे और चलती बाइक से महिला के पर्स को छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला ने अपने पर्स को नहीं छोड़ा और वो काफी दूर तक बाइक के पीछे जमीन पर घसीटती चली गई। इस बीच सड़क से कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को मदद करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आरोपी महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। इस घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई का दावा किया। बताया जा रहा है कि वारदात का शिकार हुई महिला को गंभीर चोटें आईं। सीरिया के इदलिब से आतंकी संगठन ISIS ने एक ऑडियो क्लिप जारी की। दावा किया है कि दावा है कि इस ऑडियो टेप में जिस शख्स की आवाज है वो कोई और नहीं बल्कि इस खूंखार संगठन का सरगना अबू बकर अल बगदादी है, जिसका 55 मिनट का ऑडियो ISIS के मीडिया विंग ने जारी किया। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि आवाज बगदादी की है या किसी और की, लेकिन इस ऑडियो क्लिप में रक्का की हार के बाद आतंकवादियों को धैर्य रखने की सलाह दी गई। दावा है कि ऑडियो टेप में बगदादी ने अपने गुर्गों से कहा कि आप सब एकजुट रहें और हिम्मत नहीं हारें। अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है, हम लोगों का नुकसान अल्लाह की मर्जी है,
एक शहर में हार कोई मायने नहीं रखती। ये टेप तो केवल और केवल साजिश है, क्योंकि अगर वो जिंदा भी है तो किसी प्रकार का कोई भी मिलिटरली रोल अदा नहीं कर सकता। 2015 में हुई एक बमबारी के बाद रेडियो ईरान ने बगदादी की मौत की पुष्टि कर दी थी, जबकि 2017 में रूस की सेना ने ISIS को सीरिया के रक्का से खदेड़ दिया था। इसके करीब एक साल बाद बगदादी के नाम पर कोई ऑडियो टेप सामने आया है। झारखंड के सरायकेला में भीड़ के बीच खड़ा एक पुलिसवाला लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। वहाँ एक आदमी के दूसरे शादी करने पर उसकी पहली पत्नी और बच्चों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ उस आदमी की दूसरी पत्नी के परिवार वाले भी पहुँच गए और मारपीट शुरू हो गई। दो खेमों में बटी भीड़ हाथापाई पर उतर आई और अंधाधुंध लात घूंसे एक दूसरे पर बरसाने लगे। इस बीच नीली शर्ट पहने एक लड़के ने बेल्ट से दूसरे गुट के लोगों पर कई हमले किए, जबकि लाल शर्ट पहने एक आदमी ने भी जमकर घूंसे बरसाए। इस बीच हाथ में डंडा लिए एक पुलिस वाला भीड़ को तितर बितर करने की नाकाम कोशिश करता रहा। हंगामा और मारपीट होती देख तमाशबीन लोग भी मौके पर जमा हो गए। इस बीच वहां पुलिस भी मौजूद थी, जो बेबस नजर आई। विधवा औरत से शादी करके ले आया है, जिसके कारण उसके पहली पत्नी विरोध कर रही है। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर मारपीट और हंगामे के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत करवाया और थाने ले गई। यूपी के नोएडा में एडीएम और रिटायर्ड कर्नल के बीच विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कर्नल के घर पहुंची, उनका बयान दर्ज किया। क्राइम ब्रांच के एसपी ने करीब 3 घंटे तक बयान दर्ज किया। इस मामले में एसएचओ और सीओ का दूसरे जिले में तबादला किया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। रिटायर्ड कर्नल ने एडीएम समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है और एडीएम की पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग की है। चार पांच तरफ से घूम घोर के ये चंद्रा ने मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया, और इनका गनर, इनका नौकर, इनका ड्राइवर जिसका नाम मैं नहीं जानता लेकिन पहचान आज सीसीटीवी में है, उसको उन लोगों ने बुरी तरह से मुझे मारा। कुणाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल, अब जो है मामले में एसएचओ का तबादला किया गया है, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए बिल्कुल, जो पूरा मामला था उसमें जो अब क्षमता फिलहाल अभी नहीं नजर आ रहा है और पूरा जो क्राइम ब्रांच है जो एसपी है क्राइम वो उसको पूरे को जांच करेंगे और लगभग कल काफी देर तक इस मामले की जानकारी भी ली गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आई थी कि पूरे मामले की बिना जाँच किए एक तरफा कार्रवाई कर दी गई और इनको सीधे जेल भेज दिया गया, और जिस तरह जेल भेजा गया हथकड़ी लगा के, 76 साल के पूर्व कर्नल हैं, देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन उसके बाद में जब सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होते हैं तब जाके पुलिस की नींद टूटी है और तब कार्रवाई के नाम पे अब जो एसएचओ उसको सीबीसीआईडी में तबादला कर दिया गया है, जो सीओ थे उनको पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ भेज दिया गया है। फिलहाल अभी ये मामला इसलिए नहीं रुक रहा है, इन लोगों की मांग है कि एडीएम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाए जब तक इन लोग शांत नहीं होंगे, तो नए सिरे से फिर जांच हो रही है, फिर सारे तथ्य सामने निकाले जाएंगे, टीवी चेक करे जाएंगे, उसके बाद अब क्या होता है, गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है एडीएम और उसकी पत्नी की, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल कुणाल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे फिलहाल, शुक्रिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। जमीन खिसकने से हाईवे पर कई जगह मलबा आ गया और सड़क का कुछ हिस्सा पानी के साथ बह गया, जिसकी वजह से कोटद्वार का संपर्क पौड़ी गढ़वाल से टूट गया। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच 3 जगह पर सड़क टूटने से गिरी चट्टान के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए, जिसके बाद लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हमें काफी दिक्कत हो रही है, हमें अपना कल ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आसमान से बरसी आफत में सबसे ज्यादा परेशान आसपास के गांव के लोग हुए, वहीं अपने जरूरी काम से वहां बाहर से पहुंचे लोग भी फंस गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द रास्ता खोल दिया जाएगा। कोटद्वार दुगड्डा के बीच सड़क टूटी हुई थी और वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं चंपावत की। चंपावत में एक सड़क पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे सड़क पर मलबा जमा हो गया और रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद कई सड़कों पर मलबा जमा हो गया। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस बीच वहां की कई सड़कें धस गई, वहीं बारिश का पानी भी तेज बहाव से नीचे बहने लगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई रास्तों को बंद कर दिया और लोगों के वहां से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इस बीच हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां से गुजरने वाले ट्रकों को भी रास्ते में ही रोकना पड़ा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई